Am I audible to all? यस लोगों सर। का एनटीएससी का पेपर था रिसेंटली। ओके, हाउ यस सर। वाज योर पेपर? कैसा क्या नाइस पेपर? सर। ओके, बाकी बच्चों का क्या? ये क्लास में अच्छा था सर। अनुराग अनुराग भी हैं, अदिति भी हैं, हिमानी भी हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी यस सर। हिमानी यस सर। अनुराग, आवाज आ रही है आपको? यस सर। अदिति, ओके, आप सभी ने एमपीएससी का पेपर दिया? सैड। यस सर। सर मेरे प्राइवेट क्लासेस में मुझे पता ही नहीं था। वो मेरे एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, तो सर मैं इसलिए दे नहीं पाएगी। मामी आपने दिया था? यस सर। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया सर। कितने मार्क्स आए आपके? 80 80 सर मेरे भी 80। सोशल में कितना है? सर सोशल में 2 गलत हुए थे। ओके, वेरी गुड। और साहिल आपके? सर मैंने वो सोशल का नहीं देखा, बट ओवरऑल रिपोर्ट में 80 थे। और ये चौधरी एनके तुमर, क्या नाम है इनका? लव्य, आर्यन आर्यन आर्यन। ओके आर्यन, आपका कैसा गया एनटीएससी का पेपर? दिया था ना आपने? यस सर। कैसा गया आपका? सर अच्छा गया था सर, अभी स्कोर चेक नहीं किया। ओके, ज्योति शर्मा, यस सर। आपका कैसा गया पेपर? सर अच्छा। कितने मार्क्स आए बेटा आपके? 70। 70। सोशल में कितने हैं? सर वो नहीं देखा अभी, ओके। टोटल स्कोर देखा। तो हिमानी आपके 38 आए हैं आउट ऑफ 40। हिमानी यस सर। आपके टोटल 38 आए हैं आउट ऑफ 40। हाँ सर। वेरी गुड। चलिए, और उसके अलावा आप लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे? सारे बच्चे डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस शीट पर? यस सर। सर मैं सोशल के मार्क्स चेक करके बता रहा हूँ, एक मिनट। नहीं, आप मुझे ये बताइए, डेली प्रैक्टिस पेपर हर क्लास के बाद एक डीपीपी आपको आपके अपने ऐप पे मिल जाएगी, तो क्या आप उसको सॉल्व करते हैं सभी लोग? नहीं करते? इमानी, साहिल, आर्यन, आप लोग डीपीपी नहीं सॉल्व करते? मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से। चलिए देखते हैं कौन बच्चा कर रहा है कौन बच्चा नहीं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? नो सर। और स्क्रीन दिख रही है सभी को? नहीं सर। यहाँ पे बताओ, दिख रही है? यस सर दिख रही है। चलो ठीक है, तो देखते हैं कौन बच्चा क्या करना है।
सारे आपके जो है डेटा आपके पेरेंट्स से शेयर किए जाएंगे कि आपका बच्चा का कैसे क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या फिर बस क्लासेस लेनी है और फिर किसी चीज से मतलब नहीं है। हाँ जी, सबसे पहले किसका देखते हैं? आर्यन तोमर। आर्यन आपने टेस्ट दिया था? आर्यन आपने टेस्ट किया है? ठीक है। तो आर्यन आपको मेरी आवाज आ रही है? साहिल, साहिल आपको दिख रहा है आपका रिपोर्ट? यस सर। हाँ आपने दिया है ना टेस्ट? सर। सेवेंटी नाइन, 18 मार्क के चलते हैं उसको। बढ़िया है, ठीक है। और सोशल में आपको और मेहनत करनी है। यू आर गेटिंग 36 ओनली, है ना? और मैथ्स में 4 के। बायोलॉजी में आपने ठीक किया, चलिए ठीक है, गुड साहिल, बट और अच्छा करना है आपको। ओके, डीपीपी में किसी का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स डीपीपी आपको सॉल्व नहीं करते, यही बात है। आप में से कोई ऐसा बच्चा जो डीपीपी सॉल्व करता हो? कोई नहीं करता इसमें से। नवन पोखरियाल आए हैं क्लास में? इन्होंने टेस्ट नहीं दिया। जितनी भी टेस्ट नहीं दिया। अनुराग, इन्होंने भी टेस्ट नहीं दिया। वेरी गुड। इन्होंने भी नहीं दिया, तो ये इनको जो नहीं दे रहे उनको 0 कंसीडर किया जा सकता है। हिमानी, हिमानी ने आई थिंक दिया है ना? हिमानी अभी कितने मार्क्स थे हिमानी? सर टोटल 80 थे सोशल कंप्यूटर। चलो वेरी गुड, यू ऑब्टेंड 80। ठीक है, बढ़िया है, बट आप लोग और इम्प्रूव करिए अपने आप को, और अच्छा करिए यस सर, ताकि आपके स्कोर और अच्छे हों। सारे रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन है। डीपीपी कोई बच्चा नहीं कर रहा, ये आपका एक निगेटिव जाएगा फीडबैक, ठीक है। आप ये मत कहना सर ने मुझे बताया नहीं, सर ने पहले ही बता दिया, बार बार पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, होप कि आपसे आप लोग और थोड़ा सीरियस होके करेंगे। आप ये बस सोचे कि टीचर्स को कुछ पता नहीं है, टीचर सारे आपके डेटा को देख रहे हैं, सारे टीचर्स, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, सभी बच्चे समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में मैंने आपको फ्रेडरिक सोरियो के बारे में बता दिया, फिर आपको नेपोलियनिक कोट के बारे में बताया मैंने, फिर उसके बाद मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर के बारे में बताया, हैब्सबर्ग एम्पायर में एरिस्टोक्रेट्स के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया लिबरलिज्म के बारे में, आई थिंक उसके बाद मैंने नहीं बताया कुछ, है ना? ज़ेलेबरीन से स्टार्ट कर, टुडे आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ेलेबरीन, इजंट इट, अ कस्टम यूनियन।
So before I start, I would like to know that how many of you are prepared till whatever we had done. आप सभी पढ़ के आए हैं? Yes sir. Okay, else for कैसी वाला बता देता हूँ, ठीक है? And what about the rest? Yes sir, पढ़ के. Very good. एक बच्चे का जवाब आता है, पढ़ के आए हैं. बाकी बताओ. हिमांशु यादव, पढ़ के आए हो क्या? हिमांशु यस सर पढ़ के आए हो मैं कह रहा हूँ यस सर वेरी गुड कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो पढ़ के नहीं आया इसमें आदित्य आप पढ़ के आई हैं मैं ज्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ क्यों सर कल बस लास्ट एग्जाम है सर वो मिड टर्म चल रहे हैं अच्छा और आर्यन आपने पढ़ा है यस सर वेरी गुड चलिए तो आप में से आई थिंक साहिल सबसे पहले बताएंगे साहिल टेल मी व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिबरलिज्म यस सर Yes. Huh? Can you repeat the question? Liberalism. What do you understand by the term liberalism? In Europe, what liberalism stands for? Yes, sir. Sir, liberalism has come from a Latin word, Latin root liber, which means free. Liberalism stands for two things. First, political aspect, and second is related to economy or the aspect of market. And sir, politically, it emphasized a government by consent and constitutionalism. And it demanded equal rights for all the people and ended like the privileges based on birth. And for market, it demanded for more of trade and ease of trade so that economy could be flourished. Very good. Okay. Aryan. Aryan, can you hear me? Aryan, tell me what you understand by aristocracy in Europe. Aristocracy in Europe. Sir, aristocracy was a smaller group, and sir, in Europe it was a sir minority group, whereas the majority group was of peasantry, and sir, aristocracy. Sir, was a we can say sir, aristocracy was a dominant class. Sir, they owned the towns by which are located on the side of Europe. Sir, they usually spoke French. Sir, their families were connected through the means of marriages. Okay, Himani. आपको जो है इस पोर्शन में कहाँ पे प्रॉब्लम है एरिस्टोक्रेसी के आप मुझे वो बताइए आपको समझ में आया जो इन्होंने बताया आर्यन ने नहीं सर पूरा हालांकि इन्होंने नहीं बताया फिर भी तो एरिस्टोक्रेसी एक डोमिनेंट सोशली और पॉलिटिकल डोमिनेंट ग्रुप है पूरे यूरोप में दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स ठीक है और फिर जब वो फ्यू इन नंबर्स हैं तो वो अब आपस में वेल कनेक्टेड हैं तो व्हाट आर द वेज थ्रू विच दे आर वेल कनेक्टेड तो वन ऑफ द वे इज that they are rich because they know each other very well and they had a contact through marriages fir uske baad aap dekhoge ki they spoke French for diplomacy okay and they used to control large estates okay both in urban and rural areas okay and that's all in this aristocrats dominant social and political means overall society ko aur politics ko kya karte hain greatly influence karte hain aristocrats okay yes. Money okay thank you this mein particularly ek section hai industrial development so industrial development happened theek hai in different sides of Europe theek hai western and central particularly western one theek hai developed more means got industrial development earlier
ईस्टर्न गॉट इट बेटर. अभी तक मैंने आपको ईस्टर्न वाला समझाया नहीं है. ईस्टर्न में ये बताया लार्ज स्टेट्स वगैरह हैं, ठीक है, सॉफ्ट वगैरह वहाँ पे हैं, सॉफ्ट वगैरह हैं जो काम करते हैं ईस्टर्न और सब पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप. ओके, तो अभी उसको भी हमने टच नहीं किया, सिर्फ इतना आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में. तो आई थिंक टिल एल तक वी हैड कंप्लीटेड. ठीक है, एल पढ़ा दिया था आप लोगों को, दैट द साइज ऑफ एल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मेजरमेंट ऑफ क्लोथ, है ना, बताया था. यस, तो अभी तक जो भी पढ़ा दिया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू फर्दर. नो सर. ओके, तो नेक्स्ट वन इज, ठीक है, द नेक्स्ट वन द इंपॉर्टेंट वन इज डिलीवरी. अभी तक हमने पढ़ा मार्केट, फ्रीडम ऑफ मार्केट. व्हाट वी स्टडीड, वी स्टडीड फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट के फ्रीडम के बारे में पढ़ा. ठीक है, मार्केट का फ्रीडम कब होगा, जब ये करेंसी की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ करेंसीज इन डिफरेंट रीजन. मैंने आपको शायद वो जो फिगर बनाया होगा तो आपको याद होगा कि ये अगर सपोज ये यूरोप है और ये डिफरेंट रीजन हैं, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर, यू विल फाइंड डिफरेंट करेंसीज, ठीक है, इन डिफरेंट कंट्री. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम करेंसी, व्हाट एल्स, वेट एंड मेजरमेंट, ये क्या है, डिफर है, वेट एंड मेजरमेंट डिफर है, इसे प्रॉब्लम है. ठीक है, वेट एंड मेजरमेंट ये भी डिफर हो रहा है. फिर उसके बाद करेंसी, वेट एंड मेजरमेंट, फिर व्हाट एल्स इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, टैक्सेस, taxes, number of taxes when you move from one region to another. Okay, so these are some loopholes, these are some obstacles which liberal nationalists or which traders used to find when they used to do trade. Okay, so one of the way we studied that liberal nationalists were looking for economic freedom or freedom of market. Okay, so that goods and capital could flow easily from one part to another. So one way, okay, means one of the example which shows that how this problem was solved, okay, is the example of Zollverein. Okay, Zollverein is an example, okay, a custom union tha jo ki 1834 mein formed hua. Okay, 1834 mein formed hua, aur initiative kiska tha, the initiative was of Prussia. ठीक है, एक कस्टम यूनियन बनाया. इस कस्टम यूनियन के अंतर्गत जो भी 39 कॉन्फेडरेशन वगैरह थे, एक तरीके से समझ लो एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी थी, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, जहां पे ये सारी प्रॉब्लम जो ऊपर हम मैंने लिस्ट आउट किए हैं, दीस प्रॉब्लम्स वर सॉर्टेड आउट. ठीक है, दिस प्रॉब्लम वर सॉर्टेड आउट, ठीक है, और रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन ट्रेड. ओके, फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एनहांस हुआ. मैंने आप लोगों को पढ़ाया है द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी अभी तक? डिड आई टॉट यू सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी? नो सर. तो ओके, आई विल टॉट यू लेटर ऑन. तो ये जो है प्रॉब्लम को उसने क्या, उन्होंने क्या क्या सॉल्व किया जोलबरीन ने. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बोथ फॉर CBSE एंड NTSC. सो माइंड दिस आउट, ठीक है, माइंड इट एंड राइट इट डाउन in your book also, that it's very important. So if someone will read, then I will make it more clear. ठीक है, हालांकि सारा चीज मैंने बता दिया है. कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी है. यहाँ पे देखो, जैसे जरूरी में आप देखोगे abolish tariff, tariff में taxes, ठीक है, which used to be there, ठीक है. फिर उसके बाद reduce number of currencies from 30 to 2. There were lot of currencies. तो लगभग 30 currencies थे, तो वहाँ पे 2 तक ले आए. Network of railways were started, created, ठीक है. इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है बढ़ावा दिया गया ताकि नेशन का क्या हो सके, यूनिफिकेशन हो सके. ठीक है, तो दिस वाज द थिंग्स व्हिच वाज डन बाय क्रोएशिया, ठीक है, बाय फॉर्मिंग अ कस्टम यूनियन नोन एज ज़ोलबरीन. समझ में आ रहा है ये सब पॉइंट आप सभी को? यस सर. ओनली वन स्टूडेंट इज सेइंग यस सर, व्हाट अबाउट द रेस्ट स्टूडेंट्स? Rest of students, what are you doing? Am I audible to you? Am I clear to you? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, read it out. Himani, aap padho. From your batch, only Himani is there who is sending out homework daily. Very good, Himani.
Can I hear a clap for her? Himani, for Himani. Will you clap, you all people? Only two or three people are doing. I need everyone to clap. Very good, Himani. Okay, continue, Himani, reading portion. Search conditions. हाँ, search conditions से ही आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new communist classes, who argued for the creation of unified economic territory, like the unrestricted movement of people and capital. Underline that a unified economic territory, जहाँ पे good goods, people और capital बिना किसी hindrance के, बिना किसी रुकावट के क्या कर सकें, move कर सकें. पहले क्या थी रुकावट थी. इसी रुकावट को दूर करना है और इसी रुकावट को ये ज़ोलेबरी ने दूर किया है. कंटिन्यू. In 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest in national unification. A wave of economic nationalism was a wider nationalist sentiment going at the time. समझ में आया ये portion सभी को? Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Do anybody have any kind of doubt in this particular portion? No, sir. So next point. Next point हमारा क्या है? A new conservatism after 1850. Okay, so what happened in the year 1815? A famous battle happened. I think you all know. Battle of which battle? Waterloo, sir. Very good. Battle Waterloo. Of Waterloo. You might have studied in French Revolution. Okay, battle yes, of sir. Waterloo. So battle of Waterloo happened in 1815. यहाँ पे क्या हुआ? Napoleon एक तरफ, ठीक है? नेपोलियन एक तरफ था, दूसरी तरफ इसको हराने के लिए कौन थे? आपके आपके प्रुशिया थे, ओके, ऑस्ट्रिया थे, ब्रिटेन, रशिया, रशिया. याद रखिएगा ये पावरफुल कंट्रीज हैं, ठीक है, नेशन स्टेट, जो कि मिलके किसको हराते हैं? नेपोलियन. और नेपोलियन आपको याद है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चेंजेस लाया था, ठीक है, इन विच एडमिनिस्ट्रेटिव वन वॉज द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन, है ना, जिससे कि लोगों को लगा ही वॉज एन हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी. बट लेटर ऑन व्हेन दे सॉ द पॉलिटिकल फ्रंट दे थॉट ओके ही इज जस्ट एक्सपेंडिंग हिज ओन टेरिटरी, ही इज जस्ट मेकिंग हिज जस्ट पुटिंग हिज ग्रिप मोर टाइट, ठीक है, तो दे रियलाइज दैट ऑन पॉलिटिकल फ्रंट ही इज नॉट डूइंग वेल. तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट में जो भी किया वो सारा वेंट इनटू वेन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट जो कंजर्वेटिव्स हैं, आपने फिर ये सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा. कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव्स आपने पढ़ा था ना, लिबरल रेडिकल कंजर्वेटिव पढ़ा था, रशियन रेवोल्यूशन तो पढ़ा होगा. हाँ सर. सर कंजर्वेटिज्म मतलब एक आइडियोलॉजी थी व्हिच मेंट ग्रेजुअल ग्रोथ ओवर स्टेडी चेंज. ओके, तो कंजर्वेटिव बिलीव्ड, ठीक है, कि ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, स्टेट के या सोसाइटी के, उसने चेंजेस नहीं होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए. 18 सेंचुरी तक उन्होंने कोई चेंज नहीं चाहा था, बट इन 19 सेंचुरी दे रियलाइज दैट सम चेंजेस आर इनएविटेबल. और वो 19 सेंचुरी में कब रियलाइज किया? व्हेन दिस वाटरलू बैटल हैपेंड, ठीक है. तो पहले अब इसमें देखो, कंजर्वेटिव में दो तरह के ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो कि अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने सोसाइटी में कोई भी चेंजेस नहीं चाहता, अपने मोनार्की, चर्च, ठीक है, जो भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है सोसाइटी का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसको प्रिजर्व रखा जाए. बट कुछ ऐसे भी कंजर्वेटिव्स हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं, इफ वी वांट टू रूल इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे, सो वी शुड हैव टू अडॉप्ट सम चेंजेस, द चेंजेस व्हिच वर अडॉप्टेड बाय नेपोलियन. ठीक है, नेपोलियन ने जैसे चेंजेस लाया था, दैट चेंजेस आर वेरी अट्रैक्टिव, लिबरेटिव एंड अ गुड वे ऑफ रूलिंग. ठीक है, इफ वी वांट टू रूल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वी नीड सच काइंड ऑफ चेंजेस. ओके, सो इन द 19th सेंचुरी दे रियलाइज दैट सम चेंजेस आर इनएविटेबल, ओके, एंड देन दैट चेंजेस नीड टू बी डन. ठीक है, अ मॉडर्नाइजेशन, अ थिंकिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन दैट केम फ्रॉम
thoughts of Napoleon, the changes done by Napoleon in different parts of France and the rest of the colonies, territories which he had occupied. समझ में आ रहा है आप सभी को? Yes sir. Yes. Yes sir. Okay. तो अब जब नेपोलियन हार जाता है तो कंजर्वेटिव्स में अब ये बातें दोनों होती हैं, कुछ कहते हैं चेंजेस लॉ, कुछ कहते नहीं. तो यहाँ पे अ ट्रीटी विल हैपन, ठीक है, अ ट्रीटी नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ट्रीटी ऑफ वियना, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. 1850 आपने क्लास 9 में तो गए होंगे, तो आपने जब नाजीज पढ़ा होगा तो वहां पे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पढ़ा होगा आपने, पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना, वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना बहुत इंपॉर्टेंट, 1815. तो इन दिस ट्रीटी ऑफ वियना व्हाट हैपेंड कि सपोज दिस इज फ्रांस एंड दिस इज दीज आर द टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय फ्रांस अंडर नेपोलियन, इट मींस फ्रेंच कॉलोनीज और द टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय नेपोलियन. व्हाट हैपेंड कि इन दिस ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, द चेंजेस व्हिच वर डन बाय नेपोलियन वाज अंडर, ठीक है, और अंडर ओके इसमें क्या किया गया, जैसे ये सारी टेरिटरीज हैं, ये टेरिटरीज जो बिग पावर्स थे वापस में क्या कर लिए, दे डिवाइडेड दिस टेरिटरीज अमंग देमसेल्व्स, नए नए किंगडम दे सेट अप, द सेट अप मीन किंगडम्स ओवर देयर ओवर हियर, और सोचा कि ये फ्रांस फर्दर फ्यूचर में एक्सपैंड ना कर पाए, ठीक है, ये सब जो कॉलोनीज हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्रीज होंगे तो ये जो है अब फ्यूचर में एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये कॉलोनीज हैं, हालांकि नेशन स्टेट है, मतलब नेशन स्टेट या फिर कह लो टेरिटरी अंडर कंजर्वेटिव, ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे फ्यूचर में एक्सपैंड ना कर पाए इसलिए ये सारे टेरिटरीज जो भी पहले नेपोलियन के अंदर थी उस नेपोलियन को आपस में बांट दिया गया, ठीक है, तो इसी को ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं. हालांकि 39 कन्फेडरेशन जो इन्होंने बनाया था नेपोलियन ने उसको टच नहीं किया गया था, 39 कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, उसको टच नहीं किया गया था, बाकी सारे चेंजेस लाए गए थे फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में आप जानते हो लुई 16 के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे फिर से बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर दिस वाटरलू बर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड अगेन इन फ्रांस एंड इट अगेन केम अंडर द रूल ऑफ मोनार्की. सो दीज वर द थिंग्स व्हिच वर डन. अब कौन कौन से टेरिटरी है वो किसके अंडर में आई है वो अभी हम पढ़ेंगे, दैट वी विल डू हियर, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स. बट अभी तक बताओ, चलो ये बताओ कि अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया? Yes sir. Yes sir. No sir. कोई बच्चा कह रहा है no? वैसा भी है बच्चा कह रहा है no? कौन सा fourth year? Sir treaty of Vienna. वो सही से समझ नहीं आया. तो treaty of Vienna मैंने just एक आपको limelight उसका बताया, एक overview बताया. Treaty of Vienna अभी मैंने पूरा कराया नहीं है. So just hold on. We will do that portion. ठीक है? Wait. Okay. Okay, sir. हाँ. तो यस कंटिन्यू रीडिंग पोर्शन हिमानी. यस. अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर ट्रीटी फॉलोइंग द डिक्री ऑफ नेपोलियन यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट्स एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की द चर्च सोशल हायरार्कीज property and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could be, in fact, strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. समझ में आया ये portion? Wait. Is this paragraph is clear to everyone? Or anybody have any kind of doubt? Yes, sir. No, sir. No? No, sir. Okay, continue. In 1815, representatives of the European power, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor, Duke Metternich. Wait.
ट्रीटी ऑफ वियना का जो कांग्रेस था वाज होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फॉर बोर्ड एंड एनटीएससी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीपल टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एनटीएससी. 10 साल का पेपर उठाओ और फाइंड इट आउट, यू विल फाइंड दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, सो मार्क इट दैट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखिएगा. फिर नेक्स्ट, नाउ द ट्रीटी ऑफ वियना. ठीक है, वी विल डू द ट्रीटी ऑफ वियना. तो इन ट्रीटी ऑफ वियना इन 1850, तो इसमें क्या किया गया, अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस हैड डन हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर. ओके, वी अंडरस्टूड दिस. मैंने बताया द बर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड, लुई 18 केम टू द थ्रोन. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो रीस्टोर्ड टू पावर, और फ्रांस ने जो टेरिटरी एक्वायर की थी वो एनेक्स की थी अंडर नेपोलियन, वो सारे क्या हो गए, वो हार चुका. A series of states set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. ठीक है, अब देखो फ्रांस, मैंने आपको बताया था जो फिगर बताया था उसमें मैंने यही बताया था ना कि फ्रांस फर्दर जो है फ्यूचर में आगे ना बढ़ पाए तो कई सारे इनिशिएटिव लिए गए. तो अब देखो अगर सपोज ये फ्रांस है, दिस वन इज फ्रांस. ठीक है, तो यहाँ पे इसके नॉर्थ में आपके किंगडम ऑफ नेदरलैंड, किंगडम ऑफ द नेदरलैंड यहाँ पे क्या हो गया, सेटअप हो गया, जो कि बेल्जियम को इंक्लूड कर रहा है. पावर शेयरिंग में बेल्जियम पढ़ाया था ना. यस सर. फिर जिनोवा वाज एडेड टू द पीडमोंट. ठीक है, जिनोवा वाज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ. पीडमोंट, पीडमोंट जानते हो ना, फुटहिल्स ऑफ माउंटेन्स, पीडमोंट ऑफ द इन द साउथ. फिर उसके बाद आप देखो कि पुरुषिया को इम्पोर्टेंट टेरिटरीज मिलती हैं, इम्पोर्टेंट टेरिटरीज पुरुषिया को मिलती हैं, न्यू टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न साइड. ठीक है, फिर उसके बाद पुरुषिया को और क्या मिलता है, व्हाट एल्स पुरुषिया गॉट ओवर हियर, एंड पार्ट ऑफ द सैक्सोनी, सैक्सोनी का भी पार्ट मिलता है किसको, पुरुषिया को. ओके, फिर उसके बाद और क्या, और क्या था, इटली को क्या मिलता है, ऑस्ट्रिया वाज गिवन नदर इटली, ऑस्ट्रिया को क्या मिलता है, नदर इटली. अभी हम लोग इटली के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा. ठीक है, ऑस्ट्रिया को क्या मिलता है, नदर इटली. ओके, जर्मन कन्फेडरेशन अनटच्ड, मैंने बताया था जर्मन कन्फेडरेशन ये क्या था, अनटच्ड, इसको नहीं टच किया गया, इसको एज इट इज रहने दिया गया. रशिया को क्या मिलता है, पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पार्ट ऑफ पोलैंड. So these are some changes brought up during this settlement of 1915, Treaty of Vienna. ठीक है, और यहाँ पे main intention क्या था कि monarchy को क्या किया जाए, फिर से restore किया जाए. देखो यहाँ पे कौन कौन आया है पहले power में, देखो ऑस्ट्रिया नेपोलियन को यही हराया, तो उसमें क्या रशिया भी था, हाँ पुरुषिया भी था, हाँ ठीक है, तो रशिया पुरुषिया ऑस्ट्रिया यही सब क्या कर रहे हैं, आपस में मिलके टेरिटरीज को बांट रहे हैं जो कि फ्रांस ने अंडर नेपोलियन ने क्या किया था, एनेक्स किया था. समझ में आया? यस सर. यस यस. किसी बच्चे ने पूछा था ट्रीटी ऑफ वियना समझ में नहीं आया, उसको बच्चे को समझ में आया? यस सर. अच्छा ठीक है, तो दीज आर सम लाइंस व्हिच यू हैव टू इंक्लूड इन योर शॉर्ट नोट्स व्हेन यू विल प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड ट्राई टू राइट इन दिस मैनर इन व्हिच आई हैव रिटन ओवर हियर. So what sort of benefit you will get when you will write in this manner? मैंने ऐसा ही नहीं है कि you will have to follow the same manner. You can do it in 1, 2, 3, 4 likewise. Okay? So it will make you feel comfortable when you will learn it. ठीक है? जब आप इसको याद करोगे, it will make you feel comfortable that okay, एक साथ नहीं लिखा हुआ, अलग अलग है, अच्छे से याद हो जाएगा. And all points are very important for exam. ठीक है? तो अब देखो होगा क्या कि सीबीएसई देयर इज अ वे. ठीक है, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट,
इन सीबीएसई यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट ओनली थ्री लाइंस फॉर थ्री मार्क्स क्वेश्चन. Suppose if a question comes in your examination of 3 marks, okay, then you are not expected to write only 3 lines, as most of the students are in a habit of writing or saying that sir only 3 lines are required for 3 marks question. Nowhere it is written by CBSE that this should be the only criteria. Yes, if there are only 3 points for that question, only 3 points means only 3 points, then only you can write 3 points. And if there is more than 3 points, then you will have to write more than 3 points. So there is a word limit. Okay, there is a word limit prescribed by the CBSE that for 3 marks question, you need to write at least 80 words, or it should be maximum 80 words, means 50, 60, 80, whatsoever. Okay, maximum you can go to 80, and for 100 for a 5 marks question, you can write between 100 and 120 words. So here words will matter. Okay, not line. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Obviously, when Treaty of Vienna will come, it will come for 5 marks. Okay. Okay for everyone. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Now the next one. Continue reading. Who was reading? Himani, you were reading. Yes, sir. Continue. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about the European during the Napoleonic War. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it has annexed under Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of the France to prevent French expansion. Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north of Genoa, was added to the Piedmont in the south. Prussia was given important new territories on its western frontier, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation that had been set up. Your voice is not immense. There is a breakup in your voice. Kabhi aa rahi hai, kabhi aawaz nahi aa rahi hai. May I? Himani. Yes, sir. आपकी आवाज कम जैसी हो रही है. अच्छा ठीक है, कौन कह रहे हैं? अपना नाम बताइए. Who wants to read? आर्यन. आर्यन. Okay, आर्यन. In the east, Prussia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Lithuania. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and... Wait. Aryan, your voice is also not clear. Okay, who else will read? Who else will read? Sir, I can read. Okay, read. Read out. Sahil, can you hear me? Okay, Anurag. Anurag? Yes, sir. You read. Sir, I don't know from where I have to read because of the network problem. Can you please guide me? Okay, so a series of state. Start from here. Okay, sir. A series of states were set up upon the boundaries of France to prevent France expansion in future. Thus, the Kingdom of Netherlands, which include Belgium, was set up in the north, and in Genoa was added to Piedmont in the south. Russia was given important new territory on its western frontiers, where Austria was given control of northern Italy. But the German confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given part of Poland, which Prussia was given a portion of Saxony.
The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by the Napoleon and create a new conservative order in Europe. ओके ठीक है, तो अब एक ऑर्डर जो है आपने हम लोगों ने यहाँ तक समझा ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ क्या कि जब ये कंजर्वेटिव्स व्हेन दे केम इन पावर कंजर्वेटिव्स सो दे फॉलोड अ अथॉरिटेटिव पॉलिसीज ठीक है, दे बिकेम मोर ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मींस गवर्नमेंट बाय वन, ऑटोक्रेटिक मींस गवर्नमेंट बाय वन, सो दे बिकेम मोर ऑटोक्रेटिक ठीक है, एंड दे डिसलाइक इफ समवन क्रिटिसाइज ठीक है, तो कोई भी उनको अगर क्रिटिसाइज करता था तो वो उसको अच्छे से नहीं मतलब उनको बुरा लगता था, एंड दे यूज टू पनिश दोस पीपल हु क्रिटिसाइज और डिसेंट देम ठीक है, और उनके अगेंस्ट भी कोई भी जाता था तो भी उनको पनिश करते थे, और सेंसरशिप आई थिंक यू ऑल नो, जानते हो ना सभी लोग सेंसरशिप, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा, तो दे इम्प्लीमेंटेड सेंसरशिप ठीक है, सेंसरशिप अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद ऑटोक्रेटिक हो गए, मींस अ सीवियर कंट्रोल दे यूज्ड टू हैव, दे यूज्ड टू हैव एट दैट टाइम ठीक है, तो इसके अगेंस्ट सभी लोग जाने लगे, मतलब सभी लोग इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द पीपल ठीक है, अब क्योंकि अब पर्टिकुलरली अगर फ्रांस में देखो तो फ्रांस में लिबर्टी फेटर्निटी पढ़ा है आपने ना, लिगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी इक्वालिटी फेटर्निटी ठीक है, तो लोगों के अंदर तो ये भावना है, और वहां पे आप जो है कंजर्वेटिव रिजाइन सेटअप कर रहे हो और सीवियर कंट्रोल कर रहे हो, ऑटोक्रेटिक हो रहे हो, अथॉरिटेटिव हो रहे हो, तो इट मींस पीपल विल रिवॉल्ट ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो दिस कंजर्वेटिव रिजाइन व्हिच वाज सेट अप आफ्टर 1815 या 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव रिजाइन सेटअप हुआ, इसको तोड़ने के लिए, इसको हटाने के लिए नंबर ऑफ सेक्रेट सोसाइटीज और नेशनलिस्ट केम टुगेदर ठीक है, केम क्लोजर, और उसमें से जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट वन है वॉज द गिस्सी नाजनी ऑफ इटली ठीक है, ही प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल टू ओवरथ्रो दिस conservative resign, though he was not successful, but yes, he was a very influential personality in national, okay, he was a very influential personality who influenced the people of the Europe, okay, by his ideas. अब उसके क्या क्या ideas थे, अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या उन्होंने भी अपनाया था, वो भी पढ़ेंगे, okay, so ये वाला portion आप इसको read out कर लीजिएगा, ये pics वगैरह, history और civics के pics आपके exam में important है, तो ये याद रखिएगा कि ये द क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनिमस कैरिकेचर डेटेड 120 ठीक है, तो यहाँ पे ये साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडेंट इन द लर्नेड सोसाइटी ठीक है, टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब मे सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ सस्पीच मुजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स अपॉन एंटरिंग, इससे क्या मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा बोलना नहीं है, आप जब भी अंदर आएंगे आपके मुंह पे पट्टी बना लगा दी जाएगी, आप पढ़े लिखे हो कम बात करोगे ठीक है, चुप रहना सीखो, तो दिस इज व्हाट द राइटर द कैरिकेचर वांट्स टू कन्वे, दिस कैरिकेचर वांट्स टू कन्वे। अब इसके बाद आते हैं द रेवोल्यूशनरीज, तो इन रेवोल्यूशनरीज कई सारे मैंने बताए जो है कि लिबरल नेशनलिस्ट थे जो अंडरग्राउंड चले गए, लिबरल नेशनलिस्ट समझते हो ना, हु आर लिबरल नेशनलिस्ट, हु आर लिबरल नेशनलिस्ट, दोस पीपल, दोस नेशनलिस्ट हु वांट अ चेंज इन सोसाइटी बोथ ऑन पॉलिटिकल फ्रंट एंड इकोनॉमिक और मार्केट, एंड सर हु आर नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट मींस दोस हु आर इन सपोर्ट ऑफ देयर नेशन, they want their nation to become an independent territory, national, simple nationalist, but here the term liberal nationalist is has been used, so it means those who are in support of liberty, freedom, democracy, samajh mein aa rahi hai baat, yes, later on democracy terms was coined, earlier it was not so, to ab yahan pe kya hua, secret society were spying in Europe, throughout the Europe number of secret societies were built in order to resist this conservative resign, ठीक है, और उसमें कई सारे लोग आते हैं, उसमें जो अपने views, ideas share करते हैं, ठीक है, liberty और freedom की बात होती है, और फिर nation state बनाने की बात होती है, अब उनमें से सबसे जो prominent हम revolutionaries के बारे में बात करेंगे, वो हैं आपकी Giuseppe Mazzini,
ठीक है, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, सो यू विल प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स ऑन दिस, शॉर्ट नोट्स ऑन गिउसेप्पे मेज़नी, इवन इन एनटीएससी आल्सो यू यू विल फाइंड दैट अ क्वेश्चन वाज देयर दैट व्हेन गिउसेप्पे मेज़नी वाज बोर्न, वेयर गिउसेप्पे मेज़नी वाज बोर्न, सो ही वाज बोर्न इन जिनेवा, जिनेवा याद है आपको, ट्रीटी ऑफ वियना, साउथ में पीडमोंट टू द साउथ, इन द साउथ जिनेवा वाज सेट अप, सो ही वाज बोर्न इन जिनेवा, ठीक है, जिनेवा में ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ कार्बोनरी, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी थी, 24 ईयर के एज में इनको कहाँ भेज दिया जाता है, एग्जाइल निकाल दिया जाता है देश से, क्योंकि लिवारिया में रिवोल्यूशन होता है, इसको ये सपोर्ट कर देते हैं, इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज जो है बनाई, एक है यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप, यंग इटली मर्सलेस, यंग यूरोप बर्न, ओके, इन दो जगहों पे इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके, और इन्होंने लाइक माइंडेड पीपल को इसका मेंबर बनाया, ओके, और एक टर्म जो इन्होंने क्वाइन किया, ये वो जो ये बिलीव करते थे स्ट्रांगली कि गॉड हैड इंटेंटेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, ये व्हाटएवर मींस गॉड आल्सो नोज दैट दिस नेशन नेशन स्टेट क्रिएशन इज द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, ओके, इफ यू आर टुडे हैविंग अ मल्टी डायनेस्टिक मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट द वे यू शुड रूल, okay, nation state is the very truth and you will have to accept this truth, okay, nation state is the very truth and you will have to accept this truth, aapne padha tha na Frederick Soriot ke painting mein ki nation state ki jo hai creation mein unhone apna painting banaya aur bataya kis tarike se number of states has become nation state, okay, over a period of time, aur kuch aise state bhi the nation state dikhaye gaye usme jo kuch samay nahi the, but it was a utopian vision of what Frederick Soriot, samajh mein aa rahi hai sab baatein aapko, yes sir, yes sir, yes sir, हां तो Giuseppe Mazzini को भी ये मानना था कि गॉड भी ये जानते हैं कि नेशन स्टेट बनना जरूरी है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है, कि नेशन स्टेट बनना चाहिए, जहां पे जो लोग रहते हैं उनका वहां पे जमीन का अधिकार है, वहां पे नेशन बनाए, एक साथ रहें, नेशन स्टेट की डेफिनेशन आई थिंक यू ऑल नो, नॉट ओनली सिटीजन बट द रूरल ऑल्सो फाइंड कॉमन आइडेंटिटी, डिसेंट है ना, पढ़ा है, तो यहाँ पे वही बात, यस सर, सो इटली कुड कंटिन्यू, तो इटली आप अभी आगे पढ़ोगे कि सेवन स्टेट्स थे, ठीक है, और वो अलग अलग लोगों के अंदर में थे, मोनार्क के अंदर में थे, तो इन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अब इसको सिंगल यूनिफाइड टेरिटरी में हम इसको चेंज करेंगे, किसको, इटली को, रिपब्लिक होगी, इनके अलायंसेस से, अलायंस नेशन से हेल्प लेके, ठीक है, और उसका अलायंस नेशन, अलग अलग नेशन से अलायंस भी वाइडर होगा, और कई सारे सीक्रेट सोसाइटी उसी के बेसिस पे जर्मनी में बनते हैं, फ्रांस में बनते हैं, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड, जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड पोलैंड, देखो जर्मनी हम लोग अभी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी पढ़ेंगे, फ्रांस हम जानते हैं कि देयर इज एन अपहेवल इन फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में भी सारा कुछ ओके नहीं होता है, in case of Switzerland, Poland also you will find that things are not going well, particularly in this in Poland, abhi wo bhi hum padhenge kaise, so that's why Germany, France, Switzerland, Poland, okay, Mazzini ka jo is tarike se oppose karna monarch ko was very means monarch or then or the conservative took it very seriously, okay, Metternich ne unko kaha he is the most dangerous enemy of our social order, humne jo social order banaya hai uska sabse bada एनिमी कौन है, ये Giuseppe Mazzini, दिस हैज बीन आस्क्ड इन एनटीएससी मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन एनटीएससी मल्टीपल टाइम्स, समझ में आ रहा है सभी को, यस सर, यस सर, ओके, डू इज देयर एनी नीड टू रीड इट आउट इफ आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग वन बाय वन, नो सर, ठीक है, ये ओके है ना बे, ऐसे में अगर एक्सप्लेन करता चलूं तो आपको एक एक लाइन सारा क्लियर हो जाएगा, even yes, even then you will have a recorded videos also, hai na, theek hai, aage badhe, yes sir, yes sir, yes, okay, kisi bacche ka koi doubt hai to pooch lo, no sir, no, so what happens, ab humne 1815 ka padha, ab 1815 ke baad hua kya ki dheere dheere time period badhta chala gaya aur fir aa gaya 1830, 1830 और 48 का जो पीरियड है यहीं पे बहुत ड्रामेटिक चेंज होता है, यहीं पे देखोगे कि लिबरल नेशनलिस्ट एकदम उग्र होकर आगे आते हैं और क्या होते हैं
क्या चाहते हैं, सोसाइटी में चेंजेस चाहते हैं। अब वो किस तरीके से वो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, लाने की सोचते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे वन बाई वन करके। 1830 का जो पीरियड है, तो इस 1830 के पीरियड में आप देखोगे, जैसे कि इटली का रीजन, जर्मन स्टेट और ऑटोमन अम्पायर, एक बहुत बड़ा अम्पायर था, ये भी मल्टी डायनेस्टिक अम्पायर, ठीक है, ऑटोमन अम्पायर, फिर आयरलैंड, पोलैंड, यहाँ पे प्रॉब्लम देखी जाती है इन सब रीजन्स में, ठीक है। लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, याद रखिएगा, लिबरल नेशनलिस्ट जो होंगे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करेंगे, विल बी अ प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, पेपर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास, यही सारे लोग होते हैं हु आर द मेंबर्स ऑफ द मिडिल क्लास। सो यू हैव स्टडीड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट मिडिल क्लासेस एनविसेजेस एंड ऑफ प्रिविलेजेस, पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन? कैसे रिपीट करना? मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड ऑफ प्रिविलेजेस, पढ़ा है आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन? वहां पे आपने पढ़ा होगा जॉन लॉक के बारे में, देखो अब याद आएगा, फिर आपने पढ़ा होगा रूसो के बारे में, फिर आपने पढ़ा होगा मॉन्टेस्क्यू के बारे में। यस सर। अरे भाई, एक बच्चा यस कह रहा है, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? साहिल आपका तो पूरा नंबर है। यस सर। चलो, मिडिल क्लास हमेशा सोसाइटी में कौन किसको चेंजेस चाहिए, कौन चेंजेस लाने की सोचता है? मिडिल क्लास ऑलवेज आर ऑफ यू टू चेंज सोसाइटी एज अ टाइम रिक्वायर्ड, एज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ऐसे बुला करके, सही है, ठीक है। तो मिडिल क्लास यहाँ पे भी कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ, इटली, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड। अब सबसे पहले शुरू होता है 1830, ठीक है। अभी आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पीछे पढ़ा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो आपने देखा इंटायर यूरोप में क्या हो गया, वैसे ही जैकोबिन क्लब्स वगैरह सेटअप होने लगे, एंड पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट दे विल ऑल्सो बिकम अ नेशन स्टेट, एंड देयर विल बी अ आइडिया लाइक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन्स एंड सिटीजंस, है ना। So these are all things which people used to believe, okay, assumed that yes, a day will come that we will also become a nation state, okay, and it influenced the people, rest of the country or rest of the territory in Europe, okay, or people in Europe. So he started from France. Here also things will start from France, okay. In July 1830, hua kya? July Revolution, commonly known as July Revolution of 1830, okay. फर्स्ट अपहीजल टुक प्लेस इन 1830, बर्बन डायनेस्टी, बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर, कौन, कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ वियना में हुआ था ना, लुई 18, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज, लिबरल रेवोल्यूशनरीज का आप हमें नहीं बैठना है, लिबरल रेवोल्यूशनरीज कौन है, जो कि पॉलिटिकल और मार्केट का फ्रीडम चाहते हैं, ये क्लियर है। अब ये क्या चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल। अब वो चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो यहाँ पे, मींस मोनार्क विल वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वहां पे ऐसा कौन सा मोनार्क बना? लुइस फिलिप, ठीक है, कौन बना? लुइस फिलिप। नाउ अगेन फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इन 1830, और आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 भी पढ़ा है आई बिलीव इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, लुइस 16, 4th of August 1789, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पढ़ा है? यस सर। चलो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि लुइस फिलिप को बना दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। व्हेन, अब वहां पे जब लुइस फिलिप फिर से बन जाते हैं, तो अब ये यूरोप है, ठीक है, ये फ्रांस है, तो मेटरनिक को पता लग गया कि भाई फ्रांस में देखो चेंजेस हो गए, तो मतलब फ्रांस ने छींक मार दी है, ठीक है, छींक आ गई है फ्रांस को। व्हेन फ्रांस स्नीजेस, ठीक है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, अगर हल्का सा भी स्नीज कर दे फ्रांस तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। आपको मतलब इसका समझ में आया क्या मेटरनिक करना चाहते थे? यस सर। हमें जुखाम कब होता है? जब हमें जुखाम का पहला हमारा साइन क्या होता है कि हम छींक देते हैं, तो जुखाम। यस सर। यूरोप में ऐसे रिमार्क देने की क्या जरूरत थी मेटरनिक को? मेटरनिक ने बता दिया कि देखो फ्रांस में आ गया ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब पूरे यूरोप में आएगा। यस सर। ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। ओके, तो ये जुलाई रेवोल्यूशन से अब ब्रुसेल्स में शुरू हो गया, बात सही भी हो गई। ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वियना में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम वाज सेट अप,
तो ये ब्रुसेल्स और बेल्जियम निकल गए, पहला एग्जांपल कि यू कैच ए स्कोर। फिर दूसरा एग्जांपल आपका द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, वी विल प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स ऑन दिस। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आप देखो कि ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर वॉज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी नेशनलिस्ट मल्टी नेशन डायनेस्टिक एम्पायर, ओके। तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर में ग्रीस जब था तो ग्रीस को उसमें से ऑटोमन एम्पायर से निकलना था। ऑटोमन एम्पायर डोमिनेटेड बाई मुस्लिम्स, ओके, तो ग्रीस यूरोपियंस, तो वहां पे द रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन द पीरियड ऑफ 1821 फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो 1821 से शुरू होता है और वो फिर चलते रहता है। तो ग्रीक्स को क्या था कि इनको यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन पीपल से या वेस्टर्न पीपल से सिंपैथी थी, ठीक है, दो बिकॉज दे कंसिडर ग्रीक एज द क्रेडल ऑफ देयर सिविलाइजेशन, एक ऐसा क्रेडल, एक ऐसा झूला जिसपे वेस्टर्न यूरोपियंस या वेस्ट यूरोपियन झूल के क्या हुए, बड़े हुए, या यूरोपियन सिविलाइजेशन ऐसे कह, समझ में आ रहा है। तो यूरोप का आज का सिविलाइजेशन है वो स्टार्टिंग ग्रीस से हुई है, वहां से झूल के, उस पालने से झूल के ही इस यूरोपियन सिविलाइजेशन पनपा है और बड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमें ग्रीस को हेल्प करना चाहिए किससे निकलने में, ऑटोमन एम्पायर से निकलने में। ओके सर, क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट आउट फॉर ग्रीस to become an independent nation, okay? Because Ottoman Empire was a very strong empire. So, यहाँ पे Greece, Western Europeans का साथ मिला, ठीक है? और एक English poet थे जिन्होंने एक prominent role play किया, Lord Byron. तो Lord Byron played a vital role. किसने fund वगैरह organize किया war लड़ा, हालांकि 1824 में death हो गई fever के कारण. But finally, a treaty of Constantinople happened in the year 1832, which makes Greece as an independent nation. Which makes Greece an independent nation. Okay. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Yes. No, sir. No, sir. तीन चार बच्चों का yes no आ रहा है, बाकी बच्चों का आ ही नहीं रहा है। What about girls? No, sir. अरे girls हैं ना इसमें, इस class में? Yes, sir. Yes, sir. Next one. अब यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू होगा, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग अगर आप देखें, इसको कहते हैं रोमांटिसिज्म, क्या कहते हैं? ठीक है, अब जब आपको मैं पढ़ाऊंगा नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इंडिया जब आप पढ़ोगे, है ना, तो वहां पे भी एक आएगा लास्ट टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, एक ऐसा सेंस जो कि कलेक्टिव एक साथ है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ के एक साथ सभी जुड़ के क्या करेंगे, फाइट करेंगे, ऐसा कुछ। तो रोमांटिसिज्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ that belongingness, okay, or a way of generating that kind of belongingness, okay, romanticism. So it is actually a cultural movement which emphasizes on folklore, okay, on folklore, on language, okay, in order to make people feel that they are the part of the same nation and they have to fight for this very nation. Now, dekho, what are the ways through which you can make people और मेक पीपल टू फाइट फॉर फाइट? तो फाइट कराने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तो ऑर्डर कर दो चलो चलो लड़ना है, और एक कर दो कि नहीं उनको रियलाइज करा दो कि दैट व्हाई यू हैव टू फाइट फॉर अस, ठीक है। तो व्हिच वन इज बेटर, टू मेक देम फील और टू ऑर्डर देम? टू मेक देम फील। टू मेक देम फील, यस, वेरी गुड, टू मेक देम फील। सो रोमांटिसिज्म इज अ वे थ्रू व्हिच people is a way through which the feeling of nationalism, okay, was incorporated among the people of Europe, okay?
अब यहाँ पे कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे कि लोगों के अंदर ये फील आए, आर्ट एंड पोएट्री स्टोरीज एंड नेशनलिस्ट फीलिंग्स को, ठीक है, रोमांटिसिज्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हेन एवर इट इज आस्क्ड यू विल राइट दैट इट इज अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स, ठीक है, ऐसा नहीं है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, दैट रीजन है दिमाग लगाओ साइंस देखो क्या है कैसे होगा, इसके अपार्ट कुछ और भी देख लो, ठीक है, क्या देखना है, इमोशंस को देखो, इंट्यूशंस को देखो, मिस्टिकल फीलिंग्स को देखो, अंतरात्मा, अंदर की आवाज है ना, इंट्यूशन, इनके थ्रू भी आप लड़ सकते हो, अभी इसमें साइंस रीजन खोजोगे कि भाई हमारा अपना टेरिटरी है, वेदर वी शुड फाइट और नॉट, ठीक है, तो ये सही नहीं है, फील करो दैट व्हाई यू हैव टू फाइट, ओके, तो यही देखो सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अब इसमें यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, है ना, आप में से अगर किसी बच्चे ने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस पढ़ा है तो ये इसमें पढ़ा होगा बैलेट्स वगैरह, भारत माता इमेज और फिर नेशनल फ्लैग, yes, है ना, तो देखो यही है सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, यहाँ पे हेरिटेज जो हमारा है, हमारा हीरोइक पास्ट है वहां पे भी है, हिस्ट्री का भी है, पढ़ा होगा आपने, yes, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, yes, तो ये सारी चीजें हैं कल्चरल पास्ट, ये सब क्या बेसिस है नेशन, दिस इज व्हाट रोमांटिसिज्म इज ऑल अबाउट, हियर नाउ यू विल फाइंड टू एग्जांपल्स, एक एग्जांपल होगा आपसे जर्मन से रिलेटेड, जर्मनी से रिलेटेड होगा, एक होगा पोलैंड, रोमांटिसिज्म का एग्जांपल, हां रोमांटिसिज्म में एग्जांपल के थ्रू इसको बताया जाता है कैसे ये प्रैक्टिस हो रहा है, एक जर्मनी एक पोलैंड, ठीक है, जर्मनी में एक फिलोसोफर है, जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है, तो जोहान गॉटफ्राइड हर्डर इन्होंने क्लेम किया कि लोगों के अंदर कॉमन पीपल के अंदर ये जर्मन कल्चर को क्या करना है, इनकल्केट करना है, ठीक है, और कॉमन पीपल को उन्होंने बुलाया दास वो, और ये कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे फील कराएंगे हम, इनको हम फोक सॉन्ग से, फोक पोइट्री से, फोक डांस के थ्रू याद दिलाएंगे और ये फील कराएंगे दैट दे आर द पार्ट ऑफ दिस नेशन, और नेशन को क्या बुलाया उन्होंने, वोक जेस्ट, अंडरलाइन कर लो, मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूं, आप भी अपने बुक में अंडरलाइन कर दीजिए, दैट यू विल हैव टू मेक देम फील दैट यू आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन, एंड दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांस, लैंग्वेज, हालांकि यहां पे नहीं लिखा है, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो अ वे टू मेक पीपल फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन, और दे आर द पार्ट ऑफ द सेम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ओवर हियर, पुरानी गीत गाथाएं जो होती हैं, लोक गीत गाथाएं कहते हैं, सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट द नेशन बिल्डिंग, ओके ठीक है, अब emphasis on vernacular language, abhi ko language bhi aa gaya, and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist messages to large audience, okay theek hai, ab yahan pe dekho case of poland aa gaya, germany ka bataya maine, ab kiska case aa gaya, poland ka, ha end of the 18th century mein agar aap dekho to great power kaun hai, russia, prussia, austria, abhi aapne wahan pe bhi padha tha सभी बच्चे देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो, मैंने क्या ट्रीटी ऑफ वियना में ऐसा बताया है, यस सर, रशिया को पार्ट ऑफ पोलैंड बताया सर, यस सर, पोलैंड इंक्लूड हो गया था, अब पोलैंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट वहाँ पहले उनका ये कहना था कि पहले हम लोग एक नेशन इंडिपेंडेंट टेरिटरी थे, ठीक है, अब हमें सब्जुगेट कर दिया गया है, ठीक है, और वहाँ पे नेशनल फीलिंग्स को पर उन्होंने अलाइव रखा, नेशनल फीलिंग्स को क्या रखा, अलाइव रखा, कैसे, थ्रू म्यूजिक, थ्रू लैंग्वेज, ठीक
ठीक है, करोल कुर्पिंस्की, ठीक है, प्लेड अ वाइटल रोल ओवर हियर, ठीक है, ही मैनेज्ड दिस थ्रू ओपरा एंड म्यूजिक, ठीक है, पोलोनेज मजदूर का ऐसे फोक डांसर्स थे जिसको ये बढ़ा, जिसको ये बनाए रखे और लोगों के अंदर जो फीलिंग थी नेशनलिस्ट फीलिंग उसको जगाए रखे. So how this folklore and this language played a vital role. A language का हालांकि इसके नीचे भी और आएगा किस तरीके से language ने और अच्छे तरीके से कैसे help किया लोगों को ये अपने nationalist feeling को जब बनाया. Sir, एक doubt है. Sir, vernacular मतलब क्या होता है और ये sir first three lines का मतलब समझा दो. The emphasis on vernacular. ओके सर, और इससे लाइंस बता दो फर्स्ट. ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर. लोकल फोकलोर अलग अलग जगहों का अलग अलग लोकगीत गाथाएं होती हैं. ऐसा नहीं है कि नेशनल स्पिरिट को ही बस जगाना है, बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट सेंटीमेंट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली किल्ड इन. अब देखो, नेशनल स्पिरिट तो आप जगाओगे ही, और दूसरा काम यह है इफ द मास इज इलिटरेट. ठीक है, एक्चुअली अर्लियर पीपल वर नॉट सो मच लिटरेट. ओके, मोस्टली वेदर इट इज इंडिया और यूरोप, ठीक है, पीपल वर मोस्टली इलिटरेट. सो फॉर एन इलिटरेट, इफ यू हैव टू टीच समथिंग टू एन इलिटरेट, व्हाट पाथ यू विल चूज, कौन सा पाथ आप चूज करोगे, व्हाट वे यू विल चूज इन ऑर्डर टू मेक देम थिंग्स अंडरस्टैंड. अब उनको खड़ा करना है टू फाइट अगेंस्ट दिस पीपल मींस द मोनार्क, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू डू, आपको क्या करना होगा, उनको उस तरीके से अपनाना होगा जिस तरीके से उनको समझ में आए. वो तरीका क्या उनको समझ में आएगा, जो फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड उन्होंने सुना है, उन्होंने जाना है, जो समझते हैं, वो तरीका अपनाना होगा. ठीक है, तो क्या शुरू से जाना है, पहचाना है, समझा है, यही अपने लोकगीत संगीत नाटक है ना, वही सुना है जाना है. तो उनके अंदर लार्जर ऑडियंस को समझाना है तो यही वे अपनाइए. ओके, ये yes, सर आगे समझ. और किसी को कोई डाउट? नो सर. आगे बढ़े. यस सर. यस सर. यहाँ पे ग्रीन ब्रदर्स के बारे में भी है, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इनके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जो दिया है ये आप लोग पढ़ लेंगे, उस तक एग्जाम में पूछ लें. इन्होंने भी फोकलोर्स वगैरह को कलेक्ट किया था, बच्चों के लिए प्रेस वगैरह बनाया था. ठीक है, किताबें वगैरह जो है कि बच्चों के लिए देखो, दे पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ थिंग्स. ओके, तो ये कर रहे हैं. यस, अरे पोलोनेज कहाँ पे, अरे लास्ट लाइन में सर, पोलोनेज एंड मजूरका, ये फोक डांस. ओके सर. अब जैसे इंडिया के आप जानते हो ना फोक डांस वगैरह, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सुना है ना सर? यस सर. यस सर, यही सारे. अब लैंग्वेज कैसे प्ले करता है, लैंग्वेज का किस तरीके से क्या रोल है, कैसे नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को डेवलप करेगा. तो जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया पोलैंड को, तो पोलैंड पॉलिश लैंग्वेज को क्या कर दिया, सब्जुगेट कर दिया उसको, आउट ऑफ स्कूल सप्रेस कर दिया उसको, आउट ऑफ स्कूल ले गए. ठीक है, अब रशियन लैंग्वेज को थोप दिया कि रशियन लैंग्वेज बोलो, हर जगह रशियन लैंग्वेज बोलना है आपको. और 1831 में क्या हुआ, एक आर्म रिवेलियन हुआ. ठीक है, कि ये जो आपने तरीका अपनाया है ये सही नहीं है, बट रशियन रूलर्स आर वेरी पावरफुल. ठीक है, उन्होंने क्या क्या क्रश कर दिया. अब उसके बाद जो वहाँ के पढ़े लिखे तबके के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी भाषा का इस्तेमाल कर लिया. ठीक है, इस नेशनल रेजिस्टेंस को करने के लिए. मीन्स रशियन पीपल डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ पॉलिश, तो व्हाट दे डिड मीन्स द पीपल हु वर लिविंग इन पोलैंड, दे यूज देयर ओन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज और ओन लैंग्वेज in order to resist Russian authority. ठीक है, तो जब भी चर्च की गैदरिंग होती थी, रिलीजियस गैदरिंग होते थे, जब भी प्रीस्ट एंड बिशॉप्स कोई भी लेक्चर्स देते थे, कोई भी टीचिंग देते थे, they were supposed to give in Russian language, but they were using Polish language. Okay, so these means language was a way to maintain the sentiments, national sentiment. Okay. Was a way to maintain the nationalist sentiments among the people of Poland. Okay? Yes, sir.
suppose if you are living in India, I mean, so ab us aur ki baat karte hain, when these Europeans, okay, when he came in India, so aisa thodi aate wo Hindi samajh gaye. तो सामने खड़े रहो और कुछ उनको इधर उधर बोलते रहो, अरे देखो ये गोरे हैं, अगर नहीं करोगे तो भी मारेंगे, टैक्स दे दो, या तो फिर एक काम करो ऐसे निकल जाओ, मतलब व्हाटएवर देयर प्लानिंग इज, है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ से भी पॉलिश वाले कर रहे हैं. क्लियर हो पा रहा है सभी बच्चों को? यस सर. यस सर. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जब प्रीस्ट बिशप इनकी बात नहीं सुनते थे तो उनको जेल में डाल दिया और साइबेरिया भेज दिया, जाओ आप साइबेरिया घूम के आओ. तो यही पॉलिश बिकेम केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन. सो दिस वाज रोमांटिसिज्म एंड रशियन एंड जर्मनी एंड पोलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ रोमांटिसिज्म. ओके, वेयर वी सॉ हाउ फोकलोर एंड लैंग्वेज प्लेड अ वाइटर रोल इन ऑर्डर टू मेंटेन नेशनलिस्ट सेंटीमेंट और इंक्रीज नेशनलिस्ट सेंटीमेंट. Am I clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. आप में से कितने बच्चों ने इसको पढ़ लिया है स्कूल में? Sir, मैंने. साहिल ने पढ़ लिया, और बाकी बच्चे बताओ? Sir, मैंने. Okay. पहले से क्लियर हो रहा है? हाँ सर. सर जैसे स्कूल में पढ़ने के बाद एक रिवीजन बहुत अच्छा सा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन से होता था, वो एकदम कंक्रीट बन जाता है कॉन्सेप्ट. सर मैंने नहीं पढ़ा सर स्कूल में. ओके, ठीक है. तो स्कूल में जब भी आप पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड इट सेकंड चांस, यू विल गेट अ सेकंड चांस ओवर देयर एज वेल एज यू विल बी क्लियर. आई थिंक अगर आपने ये क्लास कर ली है, अच्छे से कर ली है, तो देयर इज नो नीड, ठीक है, बट फिर भी एक रिवीजन वहाँ पे भी होगा, तो उसको भी ध्यान से सुनोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा सारा कुछ. ओके, कंसेप्ट. अब यही एक चैप्टर है ओवरऑल टेंथ में. अगर आप देखो, इफ यू विल आस्क स्टूडेंट्स कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे प्रॉब्लम करता है, तो डेफिनेटली दे विल से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यस सर, बड़े भाई से पूछा था कजन है, उसने बोला था सर मैथ्स में सबसे ज्यादा बदनाम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और इसमें हिस्ट्री में ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है और इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ठीक है, मोर और लेस थोड़ा थोड़ा उसमें बताया जाता है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ. ओके, क्वेश्चन आंसर लिख लो, ये अंडरलाइन कर लो, इम्पोर्टेंट है, खत्म. उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी क्या है, ये सारी इतनी डिटेल में नहीं हो पाती क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, चैप्टर भी बड़ा है ना. तो लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, और आप जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका मोर और लेस ठीक है, तरीका ऐसे ही होता है, बट थोड़ा और मैं टाइम लेता, बट वी डोंट हैव इनफ टाइम बिकॉज यू ऑलरेडी यू ऑल पीपल आर ऑलरेडी लेट, है ना, लेट हो ना. यस सर. हाँ सर, लेट. अगर इस तरीके से करेंगे तो हम लोग तो टाइम पे कर ही नहीं पाएंगे. फिर भी आप बताओ, बट ये नेशनलिज्म इन यूरोप आउटसाइडर को हटाना था, ठीक है, वो नेशनलिज्म आउटसाइडर को आउटसाइडर के अगेंस्ट था. यहाँ का जो नेशनलिज्म है यहाँ पे कंजर्वेटिव के अगेंस्ट, आउटसाइडर नहीं है वो, वही के हैं, ठीक है, बट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखा है उन्होंने, उनको वो हटाना था, उनको कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में ले आना था, ठीक है, लिबर्टी फ्रेटर्निटी ये सारी चीजें को डेवलप करना था, नेशन स्टेट डेवलप करना था, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए और मार्केट का फ्रीडम चाहिए. वहाँ के नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट नेशनलिज्म में यहाँ के नेशनलिज्म में यही एक मेन अंतर है, ठीक है. चलिए आगे बढ़े. यस सर. स्पीड सही है ना? यस सर, बिल्कुल सही है. यस सर. बढ़िया समझ आ रहा. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. अब कभी भी रिवॉल्ट अगर होता है, ठीक है, व्हेनेवर यू विल सी इन हिस्ट्री दैट अ रिवॉल्ट इज देयर, ठीक है, तो इस रिवॉल्ट के होने का सबसे मेन कारण क्या हो सकता है, बताइए, कौन बताएगा सर? कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स.
ये भूख लगी रिवॉल्ट शुरू, ठीक है। सबसिस्टेंस क्राइसिस, फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है? यस सर, यस सर, यस सर। सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाती है और जो है फूड की स्कार्सिटी हो जाते हैं, ब्रेड बटर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वेजेस डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल्सो, यहाँ पे भी आप यही देखोगे कि 1830s, इन द पीरियड ऑफ 1830 यू विल फाइंड दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट वॉज वेरी प्रिवलेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था और पीपल यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरिया, फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरिया इन ऑर्डर टू गेट जॉब, बट दे वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ जॉब, ठीक है। वट वॉज द मेन रीजन एट दैट टाइम? ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या हुआ था, कारण क्या था? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। मशीन्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या आ गई थी? मशीन्स आ गई थी, ठीक है। तो मशीन्स, कैप्टन स्विंग वगैरह पढ़ा था आपने पिछले क्लास? क्या कैप्टन स्विंग के बारे में पढ़ा था? नो सर, नो सर। पीजेंस एंड फार्मर्स एक चैप्टर है हिस्ट्री में, ठीक है, पढ़ा सर। वो रिमूव हो गया था, पर एनटीएससी से थोड़ी रिमूव है। हाँ, एनटीएससी में है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मशीन्स आ गई, तो मशीन ने क्या किया भाई? लोगों के जॉब ले लिए, ठीक है। तो जॉब ले लिए लोगों के, तो जॉबलेसनेस हो गई। तो जॉब नहीं है, ठीक है, जॉब नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो खाने को नहीं है, खाने को नहीं है तो मैल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग। और मैल न्यूट्रिशन स्टंटिंग अगर होगी तो लोग डिटोरिएट होंगे और मर जाएंगे फिर, ठीक है, फाइनली यही होगा। तो इसमें क्या है, मरना है आखिरी में, ठीक है, इस तरीके से अगर वे में चल रहे हैं तो। अब व्हाट इज द वे, क्या होप है, कैसे जिंदा रहें? रिवॉर्ड कर लो, या तो इसमें मर गए या तो इसमें अपने बात मनवा के जीत गए। समझ में आ रही है बात? यस सर, यस सर। एक रे ऑफ होप में क्या दिख रहा है? रिवॉर्ड। इसमें तो कोई होप नहीं है, ऐसे रहे तो डेथ, तो होना ही है। इसमें रिवॉर्ड में जाएंगे तो होप है, पता लगा हमारी बात मान ली गई, ठीक है। तो दिस इज द वे, दिस वॉज द कॉज, दिस वॉज द रीजन, ठीक है, व्हेन यू सी डिफरेंट रिवॉर्ड्स, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब इसमें हाँ, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, आउटकम फ्रॉम होम, ये वो, ठीक है, मैकेनाइज्ड यूरोप, एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीस एंड स्ट्रगल, ओके। तो ये सारे क्या है, कॉजेज हैं हंगर हार्डशिप के। तो इस हंगर हार्डशिप के कॉजेज आपके, ठीक है, पर्टिकुलरली कहाँ पे देखे जाएंगे? फ्रांस। और जैसे ही फ्रांस में प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो लोगों का गुस्सा फूटेगा, ठीक है। वो क्या करेंगे कि जैसे ही इसकी प्रॉब्लम आ रही है, फूड के शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट, तो सब लोग रोड पे आ जाएंगे, पेरिस पे आ जाएंगे, ठीक है, बैरिकेड्स वगैरह खड़े कर देंगे। और लुइस फिलिप को क्या करना होगा? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार देंगे। ओके, यस सर, यस सर। अब एक काम करो, ये वाला पोर्शन कोई रीड कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन। क्या सर, मैं पढ़ रहा हूँ, एक मिनट प्लीज। कौन पढ़ रहा था अभी? साहिद। चलिए ठीक है, साहिल ही पढ़ लें, बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपका क्या नाम है जिसने शुरू किया था 1830? आर्यन। आर्यन, आपका नेटवर्क सही हो गया है सर? आपको पता होगा सर। चलिए अच्छा, कोशिश करिए, मैं देखता हूँ। आपने जब शुरू कर दिया तो उसको कैरी ऑन रखिए। द 1830s वर इयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. In most countries, there were more seekers of jobs than employment. Population from rural areas migrated to the countries to live in. Wait. So, enormous increase in population all over Europe. Okay, population बढ़ गई. फिर there was a movement of people from rural areas to urban areas in order to get jobs. आप जानते हो इन पॉपुलेशन चैप्टर इकोनॉमिक्स यू डिड पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। यस सर। एक बच्चे ने यस कहा, बाकी बच्चे जिन्होंने 9th अच्छे से पढ़ा है वो 10th बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज इन एंड पुल फैक्टर इन अर्बन एरियाज। चलिए ठीक है, कंटिन्यू।
Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food prices was a year of bad harvest, but the widespread capitalism in town and the year 1848 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris on roads, and barricades were erected, and Louis Philippe were forced to flee. Next. Underline कर लो इस सब. फिर क्या हुआ? National Assembly was proclaimed. ठीक है, रिपब्लिक बन जाता. फ्रांस अगेन बिकेम रिपब्लिक. आपने पढ़ा है ना 1792 में भी बना था ये 21st of September. Yes sir. ठीक है, अगेन हियर इट बिकेम रिपब्लिक. देखो मैं 9th का भी अगर आपको रिवाइज करा रहा हूँ तो उसको याद रखिए. ठीक है, बिकॉज NTSC हैज बोथ सब मींस बोथ स्टेज मींस इंक्लूड बोथ 9 एंड 10. इफ यू आर क्लियर विद 9 देन ओनली यू विल बी इन ऑन अ बेटर पोजिशन. ठीक है, रिपब्लिक फ्रांस बिकेम रिपब्लिक ओवर हियर वंस अगेन. ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट अबाउट 21. Mind it, it's adult males, not females. Females में भी आपने पढ़ा है कि they got finally in the year 1946. पढ़ा था? In case of female, French Revolution. पढ़ा हूँ. ठीक है, and slavery was ended in 1848. ये भी पढ़ा होगा. देखो वही time period. Yes. Yes sir. Yes sir. ठीक है, national workshop to provide employment was set up. So these were things which happened in फ्रांस. ठीक है, अब फ्रांस में हो गया तो एक एग्जांपल और भी है 1845 का, जो हंगर हार्डशिप का जो है टाइम जो है. तो इस हंगर हार्डशिप में आप देखोगे कॉन्ट्रैक्टर सिलेसिया का एग्जांपल दिया गया है, वीवर्स इन सिलेसिया. तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि जब ये ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि मार्केट में पैसे नहीं होते, सो व्हाट दे से व्हाट दे डू दे यूज्ड टू नेगोशिएट विद वीवर्स. तो वीवर्स को परेशान करते हैं. ठीक है, वीवर्स को परेशान करेंगे. देखिए सपोज अर्लियर टाइम जब नॉर्मल टाइम एग्जिस्ट करती है तो सपोज किसी एक्स वाई जेड टेक्सटाइल की दाम, ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपीज है. ठीक है, जब ऐसे प्रॉब्लम आती है जहां पे क्राइसिस हो, ठीक है, जहां पे मनी सप्लाई कम हो, मनी मार्केट में कम हो, तो क्या करते हैं, या डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग हो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, वो नेगोशिएट करते हैं बहुत हाई तरीके से, बहुत गंदे तरीके से. ठीक है, तो उसमें जो है कि 100 रुपीज पहले दे देते, और मान लेते हैं हम यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल 50 रुपीज ऑफर कर रहे हैं, 60, 40 इवन ऑल्सो. तो इससे वीवर्स की हार्डशिप क्या हो रही है, बढ़ रही है कि दे आर नॉट गेटिंग इनफ मनी इन ऑर्डर टू सस्टेन. ठीक है, दैट दे आर नॉट गेटिंग इनफ मनी इन ऑर्डर टू सस्टेन. हियर आल्सो द केस इज सेम. यहाँ पे वीवर्स क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है, जब ये एक्सप्लॉइट करते हैं, सॉरी वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, वीवर्स को. जब कॉन्ट्रैक्टर्स वीवर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं तो वीवर्स का गुस्सा बढ़ जाता है. वीवर्स का गुस्सा बढ़ जाता है तो वीवर्स ने डिसाइड किया 4 जून को 2 बजे एक काम करते हैं, हम लोग 2 ग्रुप बनाएंगे. एक ग्रुप उनके जो है गोडाउन में जाएगा और दूसरा ग्रुप उनके घर में जाएगा. तो गोडाउन में जाके जो भी कपड़े हैं वो जला दो, घर में जाके जितने भी फर्नीचर है सब तोड़ फोड़ कर दो. और ऐसा ही हुआ. ठीक है, और ऐसा हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अपने घरों से निकल के भागने लगे. तो गाँव गाँव पहुंचे विलेजेस में, भाई मुझे बचा लो बचा लो. सभी लोग अपने गेट बंद कर दिए. ठीक है, और जैसे मूवी वगैरह में देखते हो ना कि जो विलेन है भागता है तो आखिरी में सब अपने अपने गेट बंद कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी क्या होते हैं, गेट बंद होने लगते हैं. तो कॉन्ट्रैक्टर से फाइनली जाके पैसे लेके जो है कि अपना मिलिट्री से मिल जाते हैं. वो मिलिट्री वाले कहते हैं चलो हम तुम्हें बचाएंगे. फिर आते हैं मिलिट्री वाले, फिर कंफ्रंटेशन होता है मिलिट्री के और वीवर्स के बीच में, जिसमें 11 वीवर्स की मौत हो जाती है. तो इस तरीके से डिक्टेट किया गया है. ठीक है, तो ये विलहेल्म वुल्फ ने डिस्क्राइब किया है पूरे विलेज को इस तरीके से. ठीक है, यस सर, समझ में आया सभी को? यस सर आया. यस सर, ये वाला पोर्शन पढ़ के रखिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. ठीक है, आई होप जितना भी आज पढ़ाया है वो सभी को क्लियर है. यस सर. यस सर. कोई बच्चा अगर कोई पूछना है, किसी को कुछ जानना है एक्स्ट्रा,
पूछ सकता है, जान सकता है। एनपीएससी के बारे में सभी जानते हो ना आपने? जी सर। किसी बच्चे को एनपीएससी के बारे में तो नहीं जानना है? आप लोगों के यूटी हो गए हैं स्कूल में? यस सर। यूटी आरटी पीटी तीनों का हाफ ईयरली है 16 से। अच्छा हाफ ईयरली हो गया आपका तो हाफ ईयरली का टाइम क्या सारे पीटी हो गए। ओके वेरी गुड। अच्छा इसमें से लेटर जो है कि लेटर क्लास है कौन इसमें? कैसे तो क्या लिटिल क्लास से भी कोई बच्चा है इसमें? यस सर। आप ही हो? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है? ये पोर्शन पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप इस पे आप नोट्स बनाने की कोशिश करिए, नोट्स बना के आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है? मेल तो मैंने बता दिया है। चलिए ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम लोग सम अप करते हैं। अब क्या करते हैं, किसी का कोई डाउट? ज्योति शर्मा आप क्लास में हो ना? ज्योति एंड अदिति आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम आता है। ज्योति ज्योति शर्मा कैन यू हियर मी? आपको सब समझ में आता है ना ज्योति? यस वेरी स्लो। यस चलिए, अब ऐसा भी नहीं है कि नियरली अब वन मंथ हो गए क्लासेस को हमारे आपके? नो सर। सर 15 डेज क्या? चलो ठीक है, आप तो जान गए ना एक दूसरे को, 15 डेज भी बहुत होते हैं। हां सर। ये सर जान गए सर, है ना? तो आप लोग अब बात कर सकते हैं, ठीक है? नए नहीं है हम लोग, ठीक है? आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछिए, कहीं पे कुछ जानना है एक्स्ट्रा तो वो जानिए, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ओनली टू स्टूडेंट्स। हिमानी भी नहीं बोल रहे। हिमानी व्हाट आर यू डूइंग? हिमानी कैन यू हियर मी? यस सर। ओके अनुराग आप भी नहीं बात कर रहे हो? सर यस सर। ओके हिमांशु? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, बाय सर, बाय सर, बाय बाय। Good night, sir.